हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है बेल का शरबत बनाना। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बेल का शरबत बनाते हैं। बेल का शरबत बनाने के लिए ये हमने एक बेल ली है, तो आइए बेल का शरबत बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस बेल को तोड़ लूँगी, मैं बेलन की मदद से इस बेल को तोड़ूँगी। तो ये देखो बेल हमारी कितनी अच्छी से पकी हुई है। इसे मैं एक चम्मच की मदद से इस बाउल के अंदर निकाल लूंगी और इसमें से भी निकाल दूंगी, ये गुद्दा गुद्दा सा है जो। गर्मियों के मौसम में बेल का शरबत ठंडा और फायदेमंद है। मैं इसको हाथ से थोड़ा मैश कर लूंगी और इसके अंदर पानी डालूंगी मैं। इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। और ये अच्छे से हाथ से मैश हो चुका है और अब मैं इसे छान लेती हूँ। ये मैंने एक बाउल और छलनी ली है। बेल के शरबत को छान लेती हूँ मैं। ये बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से बेल का शरबत बना रही हूँ। अगर आपको स्टोर करना है बेल का शरबत तो आप बालक की रसोई में मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। और ये छनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालूंगी। अब मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। बेल का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ग्लास के अंदर सर्व करूंगी। और ये हमारा बेल का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।